स्किल क्या है? कौशल। किसी भी कोई भी कारीगर होता है, आप कोई भी इंडस्ट्री देखते हैं या जो खुला बाजार है उसमें देखते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े व्यवसाय, उनमें ऐसे कारीगर जो अपने कार्य के अंदर कुशल होते हैं, जो अपने कार्य में कुशल होते हैं, उन्हें कुशल कारीगर कहा जाता है। इसका विकास कैसे होता है? स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझे कि एक कोई भी मेंटेनर है जो फ्रिज, एसी या फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग या इंजन रिलेटेड कोई भी रिपेयरिंग का या मेंटेनेंस का काम करता है, एक अनस्किल्ड पर्सन है, वो काम को कैसे करेगा? उसके पास एक पूरा प्रोसीजर नहीं होता कि उस काम को सरलता से किस प्रकार किया जा सके। जबकि एक कुशल कारीगर जिसके अंदर स्किल है उस काम से रिलेटेड, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, उसमें उस कार्य की स्किल डेवलप की गई है, उसे उसकी ट्रेनिंग मिली है, तो क्या होगा, वो उस कार्य को सरलता से कर पाएगा। जहां भी किसी भी टूल का यूज करना होगा, उसे पता होगा कि किस भाग पर, उस पार्ट, किस पार्ट पर किस टूल का यूज कर रहा है, उसमें फॉल्ट अगर कोई आ रही है तो उस फॉल्ट को डिटेक्ट कैसे करना है। फॉल्ट को डिटेक्ट करना होता है ना भैया, आपके पास कोई भी एक मशीनरी है, कोई भी एक प्रोडक्ट है जो खराब है, जो अंडर मेंटेनेंस है, ब्रेकडाउन पोजीशन में आ गया। अब ब्रेकडाउन पोजीशन में आ गया, एक अनस्किल्ड पर्सन है, उसको क्या करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट को वो खोलेगा पूरा, वो उस प्रोडक्ट को डिसमेंटल करेगा। सही है, वो उस प्रोडक्ट को डिसमेंटल करेगा। जबकि एक स्किल्ड पर्सन होगा, वो क्या करेगा, वो मशीनरीज, टूल्स होते हैं, ठीक है, कोई और भी जो टेस्टिंग डिवाइस होती है, उनका डायरेक्टली यूज़ करेगा, उनको डायरेक्टली कनेक्ट करके सिर्फ टेस्ट करता है उस पूरे पार्ट को, जो भी ये प्रोडक्ट आपने काम में लिया उसको खोलने का काम नहीं करता, वो डायरेक्टली टेस्ट करता है और उसमें फॉल्ट को बता देता है। अब यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख सकते हो, एक अनस्किल्ड पर्सन में क्या होगा, उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। जबकि एक स्किल्ड पर्सन होगा, उसको स्मार्ट वर्क करना होता है, उसको क्या करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है। अभी एग्जांपल के लिए अपन देख लें तो गाड़ियाँ पहले भी बनती थी, पार्ट्स पहले भी बनते थे, इंजन के पार्ट्स पहले भी बनते थे, पहले लैथ होती थी, लैथ मशीन जो होती है फिटर ट्रेड के अंदर होती है, उसको एक बंदा मैनुअली उसको ऑपरेट करवाता था, इंडक्शन मोटर लगा के उसको रन करवा रहा है, फिर उस पर कटिंग टूल को वो खुद अपने हिसाब से चला रहा है। जबकि नया ज़माना आ रहा है, उसमें CNC आ रही है। CNC में क्या होता है, जो भी आपको प्रोडक्ट